वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अनवर एसपी गैरेज। और सुबह के बजे अभी 10:17 और मैं निकल चुका हूँ अपनी गैरेज के ऊपर। और आज का वही रूटीन रहेगा कि आज क्या करने वाले हैं सब कुछ आपको मैं दिखाने वाला हूँ, तो वीडियो पे जुड़े रहना। चैनल पे अगर नए हो तो चैनल को ज़रूर से आपको सब्सक्राइब करना है। और आज है ना जो BS6 गाड़ी है उसमें काम करना है, क्योंकि वो आई है कुछ प्रॉब्लम थी उसके लिए, तो उसका भी काम है। और दूसरी जो गाड़ी हमारे पास पड़ी है उनमें भी काम करना है, तो सब कुछ आपको दिखाऊंगा। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं, और वीडियो को लाइक करना है, चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करना है, और दोस्तों को ये वीडियो शेयर करना है। ये वाली जो BS6 गाड़ी हमने कन्वर्ट की है उसमें जो काम है उसको आज करना है, और बाकी ये सर्विस है वो भी चालू हो चुका है। कल की वीडियो में मैंने आपको बताया था इसमें, तो पूरा चेसिस को वॉशिंग करेंगे, और वॉशिंग के बाद इसमें कलर वगैरह का होगा, तो पूरा अच्छी तरह से नीचे अभी वॉशिंग करना पड़ेगा। बाकी जो ये BS6 है उसमें भी काम चालू करना है। इसमें एक दो और पॉइंट है जो करने हैं, वायरिंग का तो है लेकिन दूसरा भी काम है इसके अंदर। तो ये वाला ये देखो ये फंस गया है, तो अभी इसको भी करना है, और यहाँ का पैनल भी निकाला हुआ है तो वो भी करना है। बाकी जो भी काम है उसको पहले ख़त्म करते हैं, ताकि ये जो गाड़ी है उसमें भी काम चालू है। ये हमारे सत्तार भाई है एम्बुलेंस पायलट, जिसको देखो इसके नखरे देखो खाली है ना, दो दो फोन रखते हैं। ये देखो एक फोन, ये दूसरा फोन। इनको है ना फोटो का बहुत शौक है, आते ही बोलेंगे फोटो निकालना है निकालो। ये ओवर एक्टिंग है ना, देखो तो लिखा हुआ है लव। भाई दूसरा बताओ तो, ये देखो और यहाँ पर भी देखो दूसरा कहाँ पर है, जेस्ट पे ये भी देखो है ना। तो ये टैटू कितने बना दिए पता है, देखो ये तो क्या लिखा है हाथ में, ये इधर क्या है, ये वाला माही लिखा हुआ है सत्तार भाई ने, लेकिन ये नहीं करना चाहिए, लेकिन सत्तार भाई ने करवाया है सब कुछ। मेरी पहली और आखिरी मोहब्बत थी सत्तार भाई की मोहब्बत थी जो उसके लिए लिखा हुआ है, लेकिन ये नहीं करना चाहिए मेरे हिसाब से। आप कमेंट में बताइए करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। इधर यहाँ से निकल चुका है, ये दूसरा लगेगा अभी, ये भी ओरिजिनल है, पहले भी लगाया था वो ओरिजिनल था, लेकिन पता नहीं कैसे निकलते आए, तो ये नया लगाएंगे। और उसके बाद ये साइड का जो डोर पैड है उसको भी निकालना है, और अंदर कुछ दिक्कत है उसको भी अच्छी तरह से सॉल्व करना है। हम ये है कि इसका शीशा है ऊपर नीचे नहीं हो रहा है, कुछ हो गया है इसमें, क्योंकि सेंट्रल लॉक का काम हुआ है तो उसका उसको कुछ लग रहा है, तो ये पूरा निकालना पड़ेगा। ये शीशा ऊपर नीचे नहीं हो रहा है, प्रॉब्लम यही है, इसके लिए ये पूरा खोलना पड़ेगा, उसके बाद शीशा देखेंगे क्या हुआ है। तो वैसे शीशा का जो सिस्टम है वो तो एकदम अच्छी तरह से पड़ा हुआ है, लेकिन तो ये कांच है ना उसका चैनल से निकल गया है अंदर से, तो इसीलिए शायद नहीं हो रहा है, अभी इसको ठीक करते हैं। ये वाला मशीन में कुछ प्रॉब्लम लग रहा है, वैसे हमने नया ही डाला हुआ है ये मशीन, लेकिन दूसरा मशीन लगा रहे हैं अभी ये वाला, तो इसको ग्रीसिंग कर देंगे इस तरह से, तो फिर कुछ प्रॉब्लम ना है इसीलिए, उसके बाद फिट करते हैं। वीडियो में आपको मैंने बताया था इसके ऊपर प्राइमर लगा हुआ था, और अभी ये चेक पुट्टी चालू है, और इसके बाद इस पर प्राइमर लगेगा। चेक पट्टी इसीलिए बन रहे हैं, कहीं पर छोटे छोटे अगर स्क्रैच होंगे ना वो चले जाएंगे, तो ये चेक पट्टी अभी चालू है इसके ऊपर। और उसके बाद ये वाला जो केबिन है इसके ऊपर आज प्राइमर करना है, तो इसकी भी घिसाई चालू है। और BS6 में अभी जो प्रॉब्लम है उसका आपको मैंने आगे बताया कि जो प्रॉब्लम है वो, और वो प्रॉब्लम हमने एक कागज़ पे लिख दिया है, ये वाला देखो अब इसमें ये वाली प्रॉब्लम है, 7-8 प्रॉब्लम है, छोटी छोटी है, बड़ी नहीं है, लेकिन आज इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। कल मैं गया था ना मोबाइल की कवर लेने, तब ये स्क्रैच एक गाड़ी वाले ने यहाँ पर कर दिया, देखो नई गाड़ी में जब स्क्रैच लगता है तो दिल पे स्क्रैच लग जाता है, एक यही प्रॉब्लम है नई गाड़ी की। नई गाड़ी में आपको कुछ होगा ना तो आपको दिल से हो जाएगा भाई, तो इसमें स्क्रैच हुआ ना मेरे इधर स्क्रैच हो गया, अभी इसमें टचिंग भी नहीं कर सकते कि इतना कहाँ टचिंग करेंगे। ये जब मैंने गाड़ी लिया था ना उसके अंदर ये अलॉय व्हील नहीं आते हैं, इसमें डिस आता है, तो मैंने कंपनी से अलॉय व्हील लगाए थे, लेकिन उसके बाद इसमें ना तो इसमें अलाइनमेंट करवाया था और ना तो इसके ऊपर मतलब के व्हील बैलेंसिंग कराया था, तो आज वो करवाना है, तो चलते हैं अभी व्हील बैलेंसिंग करवाने के लिए, और अलाइनमेंट कर रहे हैं वो, तो आपको दिखेंगे कैसे प्रोसेस करते हैं क्या है सब कुछ।
फिलहाल अभी गैरेज पे काम कंटिन्यू है, पहले एलिमेंट करवाते हैं उसके बाद इसमें जो गैरेज में काम है वो आपको दिखाएंगे। तो चलते हैं अभी एलिमेंट के पास, किसके पास जाना है वो तो मुझे भी फाइनल पता नहीं है, लेकिन जो भी फ्री होगा एलिमेंट वाला जमीन बैलेंसिंग वाला उसके पास हम करवा लेंगे। ओवर ब्रिज का काम चालू है और ये मशीन का क्या नाम है भाई, बहुत ऊंचा है, बहुत कैमरे में आपको नहीं दिखेगा लेकिन बहुत ऊंचा है और ये स्लैब भरने में काम आता है। ऐसे ये ओवर ब्रिज है उसके ऊपर काम चालू है, लेकिन इसका नाम क्या है मुझे पता नहीं, लेकिन ऊंचा बहुत है भाई, बहुत मतलब कि मुझे लग रहा है ऐसा कि 100 फुट ऊंचा होगा ही शायद, ऐसा लग रहा है मुझे, लेकिन इससे ज़्यादा होगा, लेकिन कैमरे में आपको नहीं दिखा होगा, लेकिन भाई ऊंचा तो बहुत है। नाम क्या है वो मुझे कमेंट में बताना, ये वाले मशीन का, ये वाला विशाल एलिमेंट में काम करवाना है, देखते हैं करते हैं नहीं करते हैं। तो ये भाई ने तो मना बोल दिया, बोल रहे हैं भाई 3 बजे के बाद आना, अभी 1:30 बज गया है तो सब खाने के लिए चले गए हैं और अभी मैं जाऊँगा दूसरी जगह पर, अगर वहाँ पर हुआ तो वहाँ पर मैं करवाऊँगा, क्योंकि अभी 3 बजे के बाद चालू होगा, क्योंकि अभी 1:30 बज चुका है इसलिए, तो इधर तो हुआ नहीं और देखते हैं और कोई दुकान होगी तो। अभी इसका काम अच्छा है विशाल एलिमेंट का, इसीलिए मैं यहाँ पर आया था, लेकिन अभी इधर हुआ नहीं क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो गया, ये देखो 1:30 बज चुका है इसीलिए। तो अभी तो 3 बजे ही एलिमेंट होगा, क्योंकि मैंने 3-4 जगह पर और भी पूछा तो वो बोले अभी तो हम खाने के लिए जा रहे हैं और मुझे भी घर पे जाना है खाने के लिए, तो 1:30 बज चुका था इसलिए काम हुआ नहीं, 3 बजे वापस से आएंगे, लेकिन 3 बजे अभी गैरेज पे काम है तो वो करना है, लेकिन देखेंगे अगर होगा तो करवा देंगे, नहीं तो फिर कल की वीडियो में आपको मैं बताऊंगा, आज तो शायद होगा नहीं होगा पता नहीं है मुझे, अगर फ्री टाइम में मिला तो आज एलिमेंट करवा देंगे, लेकिन करवाना तो है ही, क्योंकि भाई एलिमेंट नहीं करवाएंगे तो कुछ प्रॉब्लम होगा तो फिर गाड़ी का जो टायर है वो भी घिस जाएगा एक साइड में, तो करवाना तो पड़ेगा, लेकिन आज होगा या तो कल होगा वो अभी पता नहीं है। फिलहाल अभी अपना गाड़ी लगेगा व्हील बैलेंसिंग एलिमेंट और नाइट्रोजन हवा भरवानी है इसीलिए, तो अभी भाई साहब ले रहे हैं हमारा गाड़ी, ये देखिए तो इसका बैलेंसिंग हो चुका है और इस साइड का टायर का बैलेंसिंग अभी होगा, मतलब दोनों टायर का बैलेंसिंग हो चुका है लेकिन फिटिंग करना है खाली। यहाँ पे अभी एलिमेंट का काम चालू है, ये वाला कुछ लगाया हुआ है, व्हील बैलेंसिंग हो गया है, अभी ऐसे ही एलिमेंट होगा और एलिमेंट पे एलिमेंट के लिए 3 बजे बोला था, फिर मैं गया घर पे, घर पे खाना खाया, खाने के बाद और फिर आया मैं विशाल भाई के पास, एलिमेंट करवाया, हाइड्रोजन हवा भरवाई और अपना व्हील बैलेंसिंग करवाया। अपनी गाड़ी है वो एकदम मक्खन हो चुकी है और अभी चलते हैं गैरेज के ऊपर, क्योंकि टाइम बहुत हो चुका है, 5 बजने वाले हैं अभी फिलहाल, तो अभी चलते हैं गैरेज के ऊपर, क्योंकि 4-5 घंटे में गैरेज पे था ही नहीं। ए वाले BS6 में उसमें जो काम करना था वो सारे काम हो चुके हैं और ये 2 ही काम बाकी है, बाकी ये सारे काम हो चुके हैं, तो ये 2 काम के लिए वायरिंग का काम है, तो ये अभी जाएगा फिरोज भाई के पास, फिरोज भाई इसको देखेंगे ठीक है, उसके बाद ये काम हो जाएगा, उसके बाद वॉशिंग करवाना पड़ेगा, क्योंकि इसमें वायरिंग का ये प्रॉब्लम है कि आगे का जो दोनों बल्ब है ना वो गाड़ी चालू होती है उसके बाद दोनों उड़ जाते हैं, तो अभी इसमें डायनामिक का काम है क्योंकि वो ओवर चार्ज कर रहा है इसीलिए 2 चले जाते हैं, बाकी दूसरा तो कुछ प्रॉब्लम लग नहीं रहा है, लेकिन वो फिरोज भाई देखेंगे उसको ज़्यादा पता चलेगा। BS6 जो गाड़ी है उसको हम कल फिरोज भाई के पास लेके जाएंगे, वहाँ पर वायरिंग का काम कराएंगे, उसके बाद वॉशिंग करना है, जो भी होगा वो आपको नेक्स्ट वीडियो में जरूर से मैं दिखाऊंगा। बाकी ये जो मैक्स पिकअप है ये वाला, इसका मुझे आज चेसिस कलर करना था, इंजन कोटिंग करना था, लेकिन आज हुआ नहीं क्योंकि आज हमारे पास 3-4 गाड़ियाँ इंक्वायरी में आई थी, उसको मैंने सब कुछ एस्टीमेट वगैरह दिया तो इसमें मुझे टाइम मिला नहीं। बाकी आपको आज की वीडियो कैसी लगी वो मुझे कमेंट में आपको ज़रूर से बताना, ताकि बाहर भी आपको दिखाने वाला हूँ क्या चल रहा है, अभी तक का क्या अपडेट है। वो सुबह मैंने आपको एक गाड़ी दिखाया था जिसमें चेक पुट्टी चालू था, तो ये देखिए ये पूरा चेक पुट्टी चालू है इसमें, ये वाला देखिए फुल चेक पुट्टी हमने लगाया हुआ है, फिर घिसाई करेंगे तो ये चला जाएगा, जहाँ पर स्क्रैच होगा ना वहाँ पर रह जाएगा, उसके बाद इस पर घिसाई हो चुकी है तो अभी इस पर प्राइमर लगने वाला है, थोड़ा लेट है लेकिन आज शायद इस पर प्राइमर लग जाएगा, उसके बाद जो BS6 गाड़ी है
वो आपको मैंने बताया कि कल फिरोज भाई के पास लगाना है। ताकि आज की वीडियो आपको कैसी लगी वो कमेंट में मुझे ज़रूर बताना। अगर आपके पास कोई ऐसी गाड़ी है जिसे आप रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हो तो दिए गए व्हाट्सअप नंबर पे आप हमें व्हाट्सअप ज़रूर से कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे अगर फॉलो नहीं किया तो फॉलो करके ज़रूर से रखना। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।